न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। 20 अक्टूबर को अपने गृह जनपद गोरखपुर आएंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जिले व महानगर के विकास कार्यों की समीक्षा करने के उपरांत रात में लखनऊ होंगे रवाना। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया मंडल के विकास एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा। दीपावली पर्व पर सुरक्षा, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, पटाखों की बिक्री पर विशेष सतर्कता बरतने के दिए निर्देश। कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं। खेतों में फसलों के अवशेष पराली जलाने पर लगेगा जुर्माना और दर्ज होगा मुकदमा। डीएम ने कहा, नहीं जलाएं खेतों में फसलों का अवशेष, पर्यावरण को रखें शुद्ध। नवगठित महिला कल्याण टीम के संग जिले की नोडल अधिकारी वाणिज्य कर आयुक्त अमृता सोनी ने महिला थाने का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार की डायरेक्टर डॉक्टर सोनाली घोष ने किया डीएम से मुलाकात। जिले को शौचालय मुक्त किए जाने पर की चर्चा, दिखी संतुष्ट। महानगर में तेजी से फैला डेंगू का प्रकोप, स्वास्थ्य विभाग एवं नगर निगम की खुली कलाई। 215 मरीजों की जांच में 33 को डेंगू पुष्टि। आनंद फानंद में प्रभावित क्षेत्रों में सीएमओ, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और जिला मलेरिया अधिकारी ने किया निरीक्षण। त्योहारों के मद्देनजर पूरे रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में किया गया संयुक्त मॉक ड्रिल, यात्रियों को दिलाया गया सुरक्षा का एहसास। महिला अस्पताल की जांच करने के लिए वरिष्ठ आईएएस अमृता सोनी की अगुवाई में पहुंची स्पेशल टीम, पूरे अस्पताल का किया गहन निरीक्षण, रविवार को करेंगी समीक्षा बैठक। जर्जर हो चुके बिस्मिल भवन को जिला प्रशासन ने कराया खाली, बिल्डिंग में रहने वाले लोगों को किया गया विस्थापित, विस्थापितों को किया गया मिलेनियम सिटी स्थित आसरा आवास योजना में शिफ्ट। 23 अक्टूबर को आयोजित होगा गोरखपुर विश्वविद्यालय का 38वां दीक्षांत समारोह, महामहिम राज्यपाल करेंगे अध्यक्षता, यूजीसी के चेयरमैन होंगे मुख्य अतिथि। कुलपति ने बताया, कुलाधिपति वाटिका में महामहिम करेंगी पौधरोपण, 151 मेडल से नवाजे जाएंगे 51 छात्र छात्राएं। संपूर्ण थाना समाधान दिवस पर डीएम और एसएसपी ने सुनी चिरुआताल थाने पर फरियादियों की फरियाद, निस्तारण के दिए निर्देश। डीडीयू के 38वें दीक्षांत सप्ताह के अंतर्गत ललित कला और संगीत विभाग द्वारा रंग तरंग कार्यक्रम के तहत लोक कला और चित्र प्रदर्शनी का हुआ आयोजन, कुलपति ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। एसपी क्राइम की अध्यक्षता में संपन्न हुई स्पेशल जुवेनाइल पुलिस और एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की मासिक समीक्षा बैठक, बाल विवाह, यौन शोषण सहित अन्य बिंदुओं पर हुई चर्चा। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत सप्ताह समारोह के 6वें दिन काव्यांजलि संध्या का हुआ आयोजन, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रस्तुत किए कविता एवं गीत। कवि वागेश्वर मिश्र बागीश द्वारा रचित काव्य पुस्तक बहका हूँ बार बार का हिंदी विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर रामदेव शुक्ल ने किया विमोचन। हिंदू समाज पार्टी के युवा नेता के हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन, जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित किया गया ज्ञापन। और सेंट एंड्रयूज कॉलेज में अंतर संकाय वॉलीबॉल प्रतियोगिता के पुरुष और महिला वर्ग का खेला गया फाइनल मुकाबला, विधि संकाय और कला संकाय बने विजेता, खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर किया सम्मानित।